और केंद्रीय इस्पात और खनन विभाग के मंत्री चंपारण पहुंचे। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि संवाद कार्यक्रम में उन्होंने शिरकत किया, जहां उन्होंने केंद्र सरकार की योजनाओं का जायजा लिया। पंचायत प्रतिनिधियों और स्वयंसेवी संस्थाओं की बैठक को संबोधित करते हुए मंत्री ने कहा कि हमारी पार्टी ने बिहार में नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन उन्हें भाजपा के साथ विश्वासघात किया। आगामी 2024 में के लोकसभा और 2025 के विधानसभा चुनाव में जनता नीतीश को सबक सिखाएगी। उन्होंने बताया कि मोदी सरकार में देश की आधारभूत संरचना मजबूत हो रही है। हमारे विधायक कहा है कि अगला कदम यही होगा कि भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार इस लोकसभा में हमारा कैंडिडेट होगा। तो ये हमने अभी से मानसिकता से हमने कार्यकर्ताओं का भी मन बनाना प्रारंभ कर दिया है, और इसलिए पूरे इस लोकसभा के अंदर जो हमारी 6 विधानसभाएं हैं, 6 ही विधानसभाओं में इस प्रकार के कार्यक्रम हम करेंगे और हर विधानसभा तक जाएंगे और लोकसभा को और मजबूत करेंगे, ताकि हम देखिए जो भी मैंने कहा है कि चंपारण के लिए जो भी लोगों की यहाँ की जनभावना है, जो भी मुख्य विषय आएंगे हम उनको नोट भी कर रहे हैं, और सुझाव के रूप में हम हमारे कार्यकर्ताओं से भी अब कह रहे हैं कि आने वाले भविष्य में इस प्रकार की योजनाओं को चिन्हित करना और चिन्हित करने के साथ किसी विभाग विशेष का है तो वहां तक पहुंचाना और उसको हम परसों कराएंगे। सर एक सवाल और, हम उसको पूरा कराएंगे। और किशनगंज में पुलिस ने गौ तस्करों पर बड़ी कार्रवाई की है। आपको बता दें कि 33 मवेशियों के साथ 6 लोगों को हिरासत में लिया है। एसएसबी कमांडेंट मुन्ना सिंह ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर बिहार से बंगाल ले जा रहे मवेशियों से भरे कंटेनर को छापेमारी कर बरामद किया गया। पूछताछ में कंटेनर चालक ने खुलासा किया कि भभुआ से पांजीपाड़ा के रास्ते में पुलिस की मिलीभगत से गौ तस्करों का धंधा होता है। भभुआ से लेके आ रहे थे, पंजी पड़ा लेके जा रहा था। इस बीच कितना थाना पड़ा? थाना गिनती थोड़ा कर रहे थे। थाना पकड़ता है बीच में, क्या बोला जाता है? कोई पकड़ता है बीच में, क्यों नहीं पकड़ती है गाड़ी, क्या बोला जाता है? पकड़ाता है, पैसा लेता है 1500। कौन लेता है? थाना में पेट्रोलिंग। सफलता को स्वीकार करता हूं, लेकिन ये कोई बहुत बड़ी सफलता का मामला नहीं है। ये बेजुबान जीवों के जीवन का मामला है, जिसमें उनको एक जो सजीव के साथ जो उनका अधिकार होना चाहिए जीवन का, उनको मिलना चाहिए। और उस केस में ये गाड़ियां या अगर कहीं कोई भी अवैध व्यापार या कुछ गलत कार्रवाई होती है तो उस बाबत सशस्त्र सीमा बल ने ये कार्रवाई की है, और इसी क्रम में ये ट्रक्स पकड़े गए हैं और मवेशियों की जांच पड़ताल बाकी कार्रवाई की जा रही है।